और भाई आज जो है कि अपना सीन होने वाला है काफी खतरनाक वाला, क्योंकि अपन जो है कि अब चारों के चारों गाड़ियां करवाने वाले मॉडिफाई। तेरे फाले जो अपनी निसान GTR है वो हो चुकी है भाई ग्रीन कलर में मॉडिफाई, तो तेरे फाले जो अपनी मैक्लेरन है वो हो चुकी है बिल्कुल चेंज, तो फटाफट मैं इसको निकाल लेता हूं बाहर। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, मैं डीएमआर आपका स्वागत करते हैं एक न्यू फ्रेश एपिसोड में GT5 के। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो आज मैं आ चुका हूं अपने ड्राइवर भाई के घर पे, और यहां पे अपने ड्राइवर भाई बैठे हुए मस्त चिल कर रहे हैं। एटीट्यूड तो भाई कतई ही जहर वाली है। ओ भाई वहां पे पैर मत लग, मम्मी मारेगी तेरी, हाई अलग ही वाला स्वैग है। चल उठ जा फटाफट चलते हैं अपन। ओ भाई देख गुस्सा मत हो, ठीक है कोई बात नहीं, धक्का ही तो मारा है, मतलब भाई अलग ही टाइप का, मतलब गुस्सा भाई गुस्सा तो बहुत है भाई अपने फ्रैंकलिन में, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे अपन आ चुके हैं आज अपने भाई ट्रेवर के घर पे, मिलियन डॉलर्स वाला मेंशन है यहाँ पे भाई, बिल्कुल खतरनाक वाला भाई, क्या तो कहने इस घर का, बिल्कुल भाई बहुत महंगा घर है, अपन के अफोर्ड के बाहर है, कुछ नहीं कह सकते भाई अपन। आर यू कॉमेडी मी? तो भाई यहाँ पे सबका भाई एक तरीके से ड्रीम होता है यहाँ पे रहने का। ओ भाई मजाक ही तो कर रहा हूँ, सॉरी क्या क्या क्या, अरे 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 अलग ही मतलब कहा कुछ भी मतलब कुछ भी कुछ भी क्या है बे, भाग ऐसे भाग, अबे गन निकाल जरा गन निकाल, रुको भी तुझको बताता हूँ भाई, मजाक ही तो कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था कि घर मतलब इतना महंगा है भाई साहब, सीरियस लेने की क्या बात है भाई, हमने सीरियस लिया क्या, अलग ही टाइप के भाई यहाँ पे भाई साहब ने तो सीरियस ले लिया, मजाक ही तो कर रहा था, तो भाई इतना खतरनाक वाला सीरियस कौन लेता है। तो भाई यहाँ अरे अरे सबके 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 ने से चढ़े हैं क्या ए? भाई वैसे तो यार कुत्तों को मारता नहीं हूँ, मतलब भाई साहब काटे पे शुरू हो गए यार। चल अपनी जो छोटी सी मजाक पे यार यहाँ पे दो दो लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा, बट कोई बात नहीं यार, अपन जो है कि यार से छोटी छोटी मारते होती रहती है यार बड़े बड़े शहरों में भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो भाई यहाँ पे देखो अपन के पास अपनी चारों की चारों बीस्ट अपन ने निकाल लिए बाहर, और भाई आज जो है कि अपना सीन होने वाला है काफी खतरनाक वाला, क्योंकि अपन जो है कि अपनी तीनों की तीनों यार भाई चारों के चारों गाड़ियां करवाने वाले मॉडिफाई, क्योंकि भाई आप लोगों को जैसे कि पता होगा मैंने जो कि लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर SJ63 खरीदी थी, बट मैंने जो कि उसको मॉडिफाई नहीं करवाया था, तो आज मैं जो है कि अपनी चारों की चारों गाड़ियां मॉडिफाई करूंगा। वो मैं क्यों करूंगा तो वो मैं आप लोग को बताता हूं, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बताता हूं कि भाई अपना जो फ्रैंकलिन है वो लेने जा रहा है भाई रेस में पार्टिसिपेट, तो वहां पे जो है कि भाई अपनी गाड़ियों को जो है कि मस्त वाला कराना होगा भाई रिपेयर, एंड भाई जो इंजन की परफॉर्मेंस होगी वो भी बढ़वानी होगी, और भाई सब कुछ बढ़िया करवाना होगा, क्योंकि अपन को जो है कि वो जो रेस है उसको जीतना होगा और अपने को मिलेंगे $100 मिलियन। तो भाई $100 मिलियन की भाई बात ही अलग है, इस वजह से यार अपन जो है कि अपनी सारी की सारी गाड़ियों को पहले करवाने वाले हैं मॉडिफाई, क्योंकि भाई अपनी जो गाड़ियां हैं वो भाई अभी एक सिंपल भाई जब से हम लोगों ने शोरूम से खरीद के लाया वैसी ही है, बट अपन लोगों को जो है कि इसको मॉडिफाई करवाना होगा, जिससे इसकी जो भी परफॉर्मेंस और भाई जो भी इंजन का परफॉर्मेंस वो सब भाई बिल्कुल औसम हो जाएगा, तो इस वजह से आज अपन जाने वाले हैं वहाँ पे। तो भाई अगर आप लोग को मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो है कि एक अपनी निसान GTR खड़ी है, यहाँ पे मैकलेरन खड़ी है, तो भाई ये दोनों जो भी गाड़ियाँ है भाई अपने अमित भाई ने जो है कि सजेशन दी थी अपन लोगों को भाई कार खरीदने के लिए, तो अपन ने जो कि ये कारें मंगा ली है। तो भाई अगर आप भी कोई टॉपिक पे मुझे सजेशन देना चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मेक श्योर मुझे जो कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना, तो भाई मैं जो है कि उस सजेशन पर वीडियो बना दूंगा। तो भाई आज अपन पहले फटाफट अपनी गाड़ियों को कर लेते हैं अपने फैंटम ट्रक में यार, फटाफट कर लेते हैं लोड, फिर मैं जाने वाला हूँ आज लॉस सैंटोस कस्टम, जो कि यार अपने फ्रैंकलिन के भाई की है, तो भाई वहाँ पे अपन अपनी सारी की सारी गाड़ियों को कराएंगे मॉडिफाई। तो फाइनली मैंने जो कि अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ कर ली है फटाफट से लोड, अब मैं निकलने वाला हूँ भाई लॉस सैंटोस कस्टम, क्योंकि भाई अपन को अपनी गाड़ी चाहिए कतई खतरनाक वाली जहर वाली गाड़ी, अपन आज करने वाले हैं अपनी सारी की सारी गाड़ियों पर, जहाँ पे अपनी भाई मैक्लेरन सीना और यहाँ पे निसान GTR जो कि भाई मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर SJ63 और यहाँ पे अपनी F1 कार जो कि यार फोर्ड की है, अपन ने जो है कि यहाँ पे रेसर से चुरा के लाए थे। अगर आपने वाली वीडियो में नहीं देखी है तो मेक श्योर जाके यार चैनल पे देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी वीडियो जो है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैं फटाफट अभी निकल लेते हैं वो यार फटाफट लॉस सैंटोस कस्टम। तो फाइनली मैं जो कि अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस कस्टम के पास। तो भाई यहाँ पे जो कि अपने जस्ट सामने भाई पुलिस का जो कि हेडक्वार्टर और जेल भी है, यहाँ पे अपन जो कि एक बार हो भी आ चुके हैं भाई, क्योंकि अपन ने जो कि पिछली बार प्राइम मिनिस्टर की कार चुराई थी, तो वहाँ से अपन लोगों को भाई पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे प्रिजन। तो भाई यहाँ पे पुलिस वाला
ओ भाई यहाँ पे किनारे कर लेता हूँ भाई, पुलिस वाला सायरन बजा रहा है, ओ भाई यहाँ पे लड़ाई भी चालू हो गई भाई मेरी वजह से, तो भाई फाइनली मैं चल लेता हूँ। तो भाई अपन जो है कि यहाँ पे गाड़ी क्यों मॉडिफाई करा है, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भाई अब मैं जो है कि जाने वाला हूँ और करने वाला हूँ भाई पार्टिसिपेट रेस में, तो भाई मुझे जो कि पार्टिसिपेट करना होगा अगर रेस में, तो मुझे जो कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चाहिए होंगी और भाई फुल मॉडिफाइड चाहिए होगी, जिसके यार परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि वहाँ पे जो कि भाई बाहर बाहर के यार कंट्रीज़ के रेसर आ रहे हैं, जो कि यार जिनके साथ मुझे जो कि कॉम्पटिशन करना है। तो मुझे जो कि भाई ऐसा छोटे मोटे कॉम्पटिशन नहीं करने हैं, मुझे जो कि भाई हाई लेवल का वहाँ पर कॉम्पटिशन होगा। और भाई वहाँ पर जो है कि लिबर्टी सिटी का रेसर और भाई वाइस सिटी का रेसर और लॉस सैंटोस का भी रेसर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा जिसकी यार अपन ने F1 की कार जो कि चुरा के लाए थे, वो रेसर भी वहाँ पे भाई आ रहा है। और वो जो है कि सब के सब काफ़ी हाई लेवल के जो रेसर है वो सब है, और सभी को भाई यही चॉइस है कि वो जो कि $100 million कमा के जाए, तो मुझे जो है कि उनकी तरह भाई फुल का फुल परफॉर्मेंस करनी होगी, और जैसा भाई वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे वैसे मुझे भी करनी होगी और अपनी गाड़ी की भाई परफॉर्मेंस अच्छी करनी होगी। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो फाइनली मैंने जो कि अपनी गाड़ी निकाल ली है फटाफट, और मैं चल लेता हूँ अपने लॉस सैंटोस कस्टम में, और यहाँ पे अपने खड़े ट्रेवर भाई। तो भाई यहाँ पे अपने ट्रेवर भाई क्यों खड़े, तो मैं सबसे पहले बता दूँ, क्योंकि भाई अपनी जो किस्मत है काफ़ी अच्छे अक्षरों में लिखी हुई है, तो भाई अपने साथ कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा अपने बैलास गैंग यार बहुत बड़ी चुरकट है, चुरकट क्या भाई एक नंबर की चुरकट है पूरी लॉस सैंटोस में, जहाँ भी भाई गाड़ियाँ दिखी, पैसे दिखे, कोई भी दिखा, डायरेक्ट चुरा लेना भाई, चुरकट है बहुत बड़े। तो अपन यहाँ पे अपने फ्रैंकलिन को यानी कि यार अपने ट्रेवर को खड़ी कर दी है यहाँ पे, वो जो है कि अपनी गाड़ियों की सुरक्षा करेगा। तो यहाँ पे अपन पहले फटाफट अपनी गाड़ियों को कर लेंगे मॉडिफाई, फटाफट मैं लेके चल लेते हूँ अंदर यहाँ पे भाई अपना। तो सर फटाफट जो है कि गाड़ी फटाफट कर दो बढ़िया वाली, तो यहाँ पे मैं फटाफट कर लेता हूँ बढ़िया, और फिर आप लोग को अपनी गाड़ी मॉडिफाई होने के बाद दिखाता हूँ कैसी लग रही है। और फाइनली अपने जो एक गाड़ी हो चुकी है परफॉर्मेंस, और भाई सब कुछ खतरनाक वाली लिवरी भी देख सकते हो, क्या खतरनाक वाली डिंका वाली भाई अपन ने जो एक लिवरी लगा दी है। और आपको भाई कुछ डिफरेंस दिखा गाड़ी में, भाई डिफरेंस तो दिख ही गया होगा, इसकी पिकअप जो है कि काफ़ी हाई हो चुकी है, क्या ही कहने, अपन ने जो कि टायर भी चेंज करा दिया है, रिम के कलर भी चेंज करा दिया है, यहाँ पे अपन ने पूरा पूरा यार इसकी जो यार एलॉय की व्हील्स थी वो भी चेंज करा दी है, और यहाँ पे लिवरी चेंज करा दी है, सब कुछ चेंज करा दिया। और एक बार भाई इंजन जो मैंने चेंज कराया है इसका, उसका परफॉर्मेंस वो सबसे पहले देखो भाई, ये देखो भाई क्या ही परफॉर्मेंस है यार, पिकअप देख रहे हो भाई, ओ ओ ओ ओ भाई बची, यहाँ पे देख सकते हैं यार परफॉर्मेंस भाई कतई भाई भागने को दौड़ रही है अपनी गाड़ी, बिल्कुल क्या ही कहने भाई, पिकअप जो है कि काफ़ी हैवी हो चुका है इसका, ओ ओ ओ ओ ओ, ओ भाई काफ़ी अपन जो है कि बिल्कुल भाई भावनाओं में बह गए थे और भगाई जा रहे थे, ऐसा लगा कि भाई मुंह टूटने वाला है। तो फटाफट मैं चल लेता हूँ वापस अपने लोकेशन पे और अपनी बाकी गाड़ी को करा लेता हूँ फटाफट मॉडिफाई। तो फाइनली मैं जो कि अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस कस्टम के पास, तो यहाँ पर मैं जो कि अपनी गाड़ी लगा देता हूँ और फिर जो है कि अपनी दूसरी गाड़ी है फटाफट निकालता हूँ और फटाफट मॉडिफाई करता हूँ। तो फाइनली मैंने जो कि अपनी लैम्बोर्गिनी SVJ 63 करा ली है मॉडिफाई, तो सबसे पहले भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है और क्या क्या मैंने चेंज कराया मॉडिफाई करवाया वो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई अपन ने जो है कि आगे वाला बम्पर चेंज करा दिया, बैक साइड वाला बम्पर चेंज करा दिया है, नंबर प्लेट चेंज करा दी है, स्पॉयलर जो कि काफ़ी थोड़े बड़े वाले लगवा दिए, यहाँ पे जो कि इंजन के ऊपर वाला जो भाई वुड लगा होता है वो भी मैंने जो कि हटवा दिया है, यहाँ पे भाई एज यूजुअल अपनी जो है कि भाई जो शीशे होते हैं वो मैंने करा दिए ब्लैक। तो सबसे पहले मैं भी इसको गाड़ी को भगाते हुए दिखाता हूँ कि भाई इसमें क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई हल्का फुल्का पिकअप में जो कि चेंजेस आई है, और तो यहाँ पे भाई काफ़ी तेज़ भाग रही है और अपनी गाड़ी, और यहाँ पे भाई देख सकते हो क्या ही कहने हैं भाई अपनी गाड़ी भागने को बिल्कुल खतरनाक वाली लग रही है। तो भाई इसी वजह से मैंने जो कि ये कार परचेज की थी फ्रैंकलिन के लिए, ये जो कि भाई फ्रैंकलिन की पर्सनल कार है तो आप लोग को तो पता ही होगा। तो मैं जो कि वापस चल लेता हूँ वहीं पर, और बाकी अपनी जो दो गाड़ियाँ उनको भी मैं करा लेता हूँ फटाफट यार चेंज और भाई मॉडिफाई। तो भाई चलते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जो कि मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है और फटाफट मैं अपनी गाड़ी जो कि बाकी उतार लेता हूँ उनको भी करा लेता हूँ मॉडिफाई। तो यहाँ पे भाई फाइनली अपनी निसान GTR आ चुकी है बाहर, और भाई ये भाई पर्सनली भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई, इसकी जो परफॉर्मेंस और इसकी आवाज़ है ना भाई, भाई दिल को छूते हैं, बिल्कुल दिल के अंदर तक जाती है। तो भाई मैं फटाफट इसको करा लेता हूँ मॉडिफाई, और भाई ये जो गाड़ी होगी ना भाई अलग ही टाइप की मॉडिफाई होगी भाई, मॉडिफाई होने के बाद दिखाता हूँ क्या किलर लुक आएगा इसका।
तेरे फाले जो अपनी निसान GTR है वो हो चुकी है भाई ग्रीन कलर में मॉडिफाई। तो भाई ग्रीन कलर में मॉडिफाई करने के पीछे का राज क्या है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। तो भाई इसके पीछे का राज ये है जो भाई अपने अमित भाई है उन्होंने बोली थी भाई निसान GTR परचेज करने के लिए और मैकलरन परचेज करने के लिए रेसिंग के लिए। तो मैंने तो उसको परचेज कर ली थी बट उन्होंने कहा था कि दोनों की दोनों गाड़ियों का कलर भी उन्होंने बोला था। तो भाई निसान GTR का उन्होंने बोला था ग्रीन और भाई मैकलरन का उन्होंने बोला था पिंक। तो भाई अपने जो निसान GTR है वो तो हो चुकी है ग्रीन कलर की। तो भाई अगर आप भी मुझे कोई ऐसा सजेशन देना चाहते हो तो मेक श्योर भाई वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताना तो मैं जो कि उसके ऊपर वीडियो अगले वाली वीडियो में बना दूंगा। तो भाई पहले मैं आप लोग को चेक करा देता हूं कि भाई इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो भाई इस पे जो है कि आगे वाला बम्पर मैंने करा दिया है चेंज, पीछे वाला बम्पर करा दिया चेंज और भाई जो इसका स्पॉइलर है भाई कतई जहर वाला है भाई मेरे यार दिल में भाग गया क्या ही बोलू इसको। और भाई यहाँ भी भाई अपने बिल्कुल यार शार्प वाली इसमें नाइफ टाइप की पूरी यार ब्लैक कलर की इसमें बम्पर्स चेंज करा दी जो कि काफ़ी किलर लुक दे रहा है अपने निसान GTR को। और मैंने जो कि ब्लैक कलर का अपना विंडो करा दिया जिससे यार फुल भाई नेता वाला फीलिंग आएगी। तो भाई और जो भाई एक स्पेशल चीज़ है वो मैं आप लोग को सबसे पहले दिखाता हूँ इसका भाई जो हॉर्न है वो कैसा है। तो भाई हॉर्न सुनो सबसे पहले आप लोग को भाई उसी पे हंसी आएगी। तो भाई ये देख सकते हो भाई अपने जो गाड़ी की हॉर्न है वो मैंने जो कि काफ़ी फनी वाली लगवाई है जोकर वाली। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार गाड़ी भगा के दिखा देता हूँ उसका परफॉर्मेंस कैसा है फिर मैं जो कि अपनी मैकलेरन को भी कराऊंगा पिंक कलर में चेंज। तो फाइनली आप जो देख सकते हो भाई निसान GTR के जो भाई परफॉर्मेंस है काफ़ी खतरनाक वाला चेंजेस आई है इसमें भाई। जो पिकअप है भाई मॉडिफिकेशन तो अलग ही लेवल की है इंजन में भाई सारे परफॉर्मेंस जो कि अपनी चेंज हो चुके अपनी गाड़ी की। तो भाई क्या ही कहने सारी गाड़ियाँ एक तरफ अपनी जो निसान GTR है वो एक तरफ भाई जो मॉडिफिकेशन है वो तो भाई दिल में आ चुकी है भाई क्या ही बताऊँ भाई क्या ही भाई बताओ कुछ कहने को है ही नहीं भाई आप समझ सकते हो भाई मेरी भावनाओं को दिल की भावनाओं को मैं कहना क्या चाहता हूँ निसान GTR के लिए। समझ रहे हो आप। तो अपन जो कि अपनी हॉर्न बजाते हैं और भाई ये है क्या तो हॉर्न लग रही है पुई पुई। अबे साले। तो भाई मैं भी जो किससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी ये भी गाड़ी लगा देता हूँ। और ड्राइवर भैया ध्यान दिए रहना पता चले तुम अलग ही नशे में हो गाड़ी को ले जाए ध्यान दिए रहना भाई। भाई मैंने जो कि गाड़ियों में लॉक भी नहीं लगाया है भाई हमें लगा ड्राइवर खड़ा है तो भाई क्या ही टेंशन होगी ड्राइवर के सामने कौन चुरा के ले जाएगा। तो फटाफट मैकलेरन भी मैं उतार लेता हूँ और इसको भी करा लेता हूँ मॉडिफाई। तो फाली जो अपनी मैकलेरन है वो हो चुकी है बिल्कुल चेंज। तो फटाफट मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर और भाई जो अपनी मॉडिफिकेशन है काफ़ी लेट तक हुई है काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है यहाँ पे भाई रात होने आ चुकी है। और भाई मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपनी जो गाड़ी है क्या ही लग रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके पूरे पिंक कलर यार काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा अपन ने फेंडर एंडर सब कुछ चेंज करा दिया है अपन स्पॉइलर भी चेंज करा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को भगाते हुए दिखाता हूँ इसके जो भाई इंजन है वो भी मैंने चेंज करा दी क्योंकि ये भी जो है कि अपनी सुपर कार रेस में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो अय है क्या ही कहने भाई अपने मैकलेरन के भी क्या ही निखड़े हैं भाई क्या है तो भाग रही है ओए दिल में आ गई भाई गाड़ियाँ। तो कतई जिसने ये गाड़ी बनाई है ना बड़ा सोच समझ के इस गाड़ी को बनाई है यार ऊपर वाले ने जिसने भी बनाया है उसने यार बड़ा सोच समझ के इस गाड़ी को बनाई है। तो फटाफट ये भी गाड़ी जो है कि अपनी यार कतई किलर वाली लुक दे रही है। तो भाई ये जो गाड़ियां हैं मुझे जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट मैं भगाते हुए पहुँच लेता हूँ अभी अपने लॉस सैंटोस कस्टम के पास वहाँ के भाई जितनी भी अपनी गाड़ी है जो कि अपन ने मॉडिफाई कराई है वो अपन कर लेंगे फटाफट ट्रेलर पे लोड और निकल जाएंगे अपने यार ड्राइवर के घर पे फटाफट से क्योंकि अपन को यार ड्राइवर के साथ उसके घर पे जाना है क्योंकि कल जो है कि अपनी रेस है और रात भी हो चुकी है और अपन को यार आज जो है कि आराम करना है और कल अपनी जो यार रेस है उसकी स्टार्टिंग है। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को कर लेना ऑल पे क्योंकि भाई कल जो है कि कल का दिन अपने फ्रैंकलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ रहे हो आप। तो फाइनली मैंने जो कि अपनी सारी की सारी गाड़ियां कर दी है फटाफट से लोड और भाई मैं निकलने वाला हूँ अभी ट्रेवर के घर पे। तो भाई बिग थैंक्स टू यार अपने ट्रेवर को क्योंकि भाई उसने जो कि अपने घर पे रहने को जगह दी है भाई वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी जो है कि मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है रेस के लिए तो मैं जो कि डेली लॉस सैंटोस और यहाँ आ नहीं सकता। तो मैं जो कि इसीलिए कहा कि आपन जो है कि यार ट्रेवर के ही घर पे रुकते हैं तो मैं फटाफट निकल लेता हूँ अभी ट्रेवर के घर पे फिर आप लोग को मिलता हूँ वहाँ पे। तो फाइनली मैं जो कि पहुँचने वाले हूँ अपने ट्रेवर यानी कि कटप्पा मामा के घर पे तो मैं फटाफट पहुँच लेता हूँ वहाँ पे। और भाई अपनी जो गाड़ी है वो हो चुकी है भाई फटाफट से अपनी सारी की सारी मॉडिफाई। तो अपन जो है कि फुल एलिजिबल हो चुके हैं अपनी गाड़ी को जो है कि रेस में पार्टिसिपेट कराने के लिए और अपने आप को यार परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पे भाई प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी फटाफट से गाड़ियाँ लगा देता हूँ और मैं जो कि अपनी सारी की सारी गाड़ी जो भी होगी भाई वो लगा दूंगा ट्रेवर के गैराज पे। और भाई अपना जो कल का दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है
तो यार मैं जो कि फटाफट अपनी अपनी गाड़ियाँ उतार के वहाँ पे खड़ी करने के बाद मिलता हूँ आप लोगों को। तो और फाइनली मैंने जो कि अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ उतार के यहाँ पे कर दिए पार्क। और भाई अपनी जो निशान जी टी आर है वो तो भाई कतई बिल्कुल जहर वाला किलर वाला लुक निकल के आ रहा है। यहाँ भी भाई अपनी सारी की सारी शेयर बिल्कुल गुस्से में लग रहे हैं, बस यही लग रहा है कि भाई इनको ट्रैक पे उतार दो, बस ये भागने को तैयार हो जाए। तो यार आज के वीडियो किस इस चीज़ों पे था कि अपन ने जो कि अपनी सारी की सारी जो रेसिंग कार अपन ने परचेस की थी उसको करा लिया अपन ने मॉडिफाई कल के रेस के लिए। तो अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।